हे गाइस, वेलकम बैक टू जॉब्स नाउ चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो सबसे बड़ा डाउट है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो सोल के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ओबीई यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग मैं बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आपके डाउट मैं आज यहाँ पे सारे क्लियर करूंगा, आपके जो भी डाउट्स हैं। तो आपके जो भी डाउट्स हैं, यहाँ पे सबसे पहला डाउट कि आपके एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होंगे, ओपन बुक एग्जामिनेशन है क्या, थर्ड चीज कि आपको किस तरह से ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, चौथी चीज आपकी डेट शीट जो फाइनल है वो कब अपलोड होगी, पांचवी चीज जो बच्चे नहीं दे पाएंगे या फिर कोई भी इमरजेंसी के कारण, मतलब कोई प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन या फिर वो कोई भी एक भी एग्जाम नहीं दे पाएगा जो कि मतलब जिनके नेटवर्क की प्रॉब्लम है, उनको क्या करना है और उनके लिए क्या सॉल्यूशन है और उनके लिए क्या यूनिवर्सिटी ने बोला है। तो यह सारी चीजें पांचों की पांचों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, ज्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे, तो वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छे लगेगी लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहली चीज जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो ये है कि देखिए, डीयू के जो आपके एग्जामिनेशन है, जैसे डीयू ने बोला है, वो आपके 1 जुलाई से, यानी कि 1 जुलाई 2020 जो है उनकी टेंटेटिव डेट है एग्जामिनेशन। देखिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए, फॉर फाइनल सेमेस्टर टर्म ईयर स्टूडेंट फॉर ऑल यूजी प्रोग्राम्स ऑफ ऑल स्ट्रीम इंक्लूडिंग एनसीडब्ल्यू ईबी एंड सोल इन व्यू ऑफ द कोविड-19 एज अ वन टाइम मेजर। यानी वन टाइम मेजर के ये एक वन टाइम एग्जामिनेशन होगी आपकी, जो बच्चे फाइनल ईयर में है या फिर फाइनल सेमेस्टर में या फिर फाइनल ईयर में है उनके लिए एग्जामिनेशन है। और जो टेंटेटिव डेट है एग्जामिनेशन की जो स्टार्ट है वो 1 जुलाई 2020 से होने वाली है। आपको ये पता ही होगा कि जो टेंटेटिव शेड्यूल है यानी कि डेट शीट है वो आपकी 29th ऑफ मई 2020 को अपलोड कर दी गई है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है जो फाइनल डेट शीट है जो आपकी पहले आती है वो बहुत ही जल्दी अपलोड कर दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। बहुत ही जल्दी आपकी, सून इट विल बी अपलोडेड। तो ये बहुत ही जल्दी आपकी अपलोड होने वाली है, तो इसमें आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेकंड चीज जो थी कि आपकी ओपन बुक एग्जामिनेशन होती क्या और कैसे होगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज ओपन बुक एग्जामिनेशन में, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपको देखना है, ओपन बुक एग्जामिनेशन में आप अपने नोट्स जो है नोट्स प्रेफर कर सकते हैं, आप अपनी कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आपको फुल छूट दी जाएगी कि आप नोट्स का यूज करें, अपनी बुक का यूज करें, उनमें से आप सॉल्यूशन रिसर्च करके अपने आंसर दे सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे ये इतने इजी क्यों है? देखिए, ये टास्क जो है इजी नहीं है, दिस इज कॉल्ड रिसर्चिंग, ये रिसर्च वर्क होता है और इसमें भी इंटेलिजेंस बहुत चाहिए होती है। कोई आंसर दिया गया है, आपको फाइंड करना है, यानी कि आप तभी फाइंड कर पाएंगे जब आपको टॉपिक्स के बारे में पता होगा कि कहाँ वो मिल सकता है, आपको पता होगा कि टॉपिक्स क्या क्या है पूरे सिलेबस में आपके, तभी आप ढूंढ सकते हैं और तभी आप एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच सकते हो, तभी आप एग्जैक्ट क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर दे सकते हो। ये चीज हो गई कि आपको फुल छूट दी जाएगी। प्लस अब आपका डीयू सोल का एग्जामिनेशन कैसा होगा, हाउ? तो सबसे जो बड़ा डाउट है आपका हाउ, ये मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूं। देखिए, आपका जो एग्जामिनेशन होगी डीयू की वो 3 आवर्स की होगी। जी हाँ, वो 3 घंटे होगी फॉर नॉर्मल कैंडिडेट्स, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 5 घंटे की होगी। ये जान लिया, क्लियर हो गया आपका? ठीक है, जो 3 घंटे की एग्जामिनेशन है उसमें आपको 2 घंटे तो लिखने के लिए मिलेंगे, आपका क्वेश्चन पेपर करने के लिए मिलेंगे, 2 आवर्स फॉर द पेपर आपको टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे आपको मतलब देने के लिए मिलेंगे। आप 2 घंटे मतलब आराम से पेपर लिख सकते हो, और पेपर जो लिखना है वो A4 साइज शीट पे लिखना है, जो उन्होंने बताया गया है डीओ ने, A4 साइज शीट पे आपको पेपर लिखना है। और जो 1 घंटा जो फालतू का है, जो +1 आवर दिया गया है, वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग के लिए और अपना जो पेपर आप लिखोगे उसको स्कैन करके अपलोड करने के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। तो काफी आपको टाइम मिल रहा है यहाँ पर। और जैसे कि डाउनलोडिंग, कुछ बच्चे जैसे कि ईमेल वगैरह पे नहीं है, तो उनके जो कॉलेज है वो उनको क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे, ईमेल के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे, मैसेज के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे। तो पेपर आपका डाउनलोड हो जाएगा, आपको अपलोडिंग के लिए भी, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग के लिए आपको पूरा 1 आवर दिया जाएगा, आप ये जान लीजिए। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब जो आपका डाउट है वो ये है कि आपकी ओपन बुक एग्जामिनेशन कब से शेड्यूल्ड है। अच्छा, जो सबसे पहली चीज जो बच्चे ज्यादातर पूछ रहे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी। देखिए, जो डीओ ने लिखा है इंटरनेट कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग जो डीओ ने बताया है
वो ये कहा है इंटरनेट कनेक्टिविटी थ्रू आउट द एग्जामिनेशन जो आपके 3 घंटे, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है, बहुत ही छोटा लिमिटेड नेट कनेक्टिविटी चाहिए आपको ओनली डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग के लिए, ओनली डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग के लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और आपको थ्रू आउट द एग्जामिनेशन किसी नहीं चाहिए, लेकिन आपको टाइम फ्रेम के अंदर अपना एग्जाम सबमिट करना होगा यानी कि अपलोड करना होगा। तो ये नहीं कि आपको पूरे टाइम नेट ऑन करके रखना है, तो बहुत ही लिमिटेड है, आपको सिंपल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है जो कि केबी में होगा और कुछ एमबीज में आपकी जो फाइल जो अपलोड करोगे जो स्कैन करोगे वो आपको अपलोड करनी है, बस इतना ही करना है। और कुछ बच्चे जैसे कि कुछ बच्चे का डाउट हो सकता है, मान लो एग्जाम के टाइम में कोई प्रॉब्लम हो जाती है कोई, इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या करना है, तो उन्होंने ये भी बताया कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको कुछ हेल्पलाइन ये प्रोवाइड करेंगे जिन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी पर्टिकुलर कॉलेज को, अपनी पर्टिकुलर ब्रांच को, कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपकी क्वेरी सुनी जाएगी और उनके लिए पर्टिकुलर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए जाएंगे और आपको बता दिया जाएगा कि आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अब सबसे पहली चीज, इसके अंदर सबसे बड़ा डाउट आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो बच्चे ध्यान से सुनिएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, जिन बच्चों का एग्जाम जो है जो नहीं दे पाएंगे, यानी कि जो रिमोट एरिया से हैं, उनका क्या है, जो बच्चे नहीं दे पाएंगे यानी कि बिल्कुल भी कंडीशन में नहीं है देने के लिए, तो उनको भी चांस मिलेगा, यानी कि उनको पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन देने का चांस मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा लेट मिलेगा, यानी कि एट लेटर स्टेज मिलेगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, यानी कि लेटर स्टेज मिलेगा अराउंड सेप्टेम्बर आपको एग्जामिनेशन के लिए बोला जाएगा, अराउंड सेप्टेम्बर टू अक्टूबर आपकी एग्जामिनेशन होगी, जो बंदे रिमोट एरिया से करते हैं, जो बंदे ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप ये दे लीजिए, ये आपके लिए इजी पड़ेगा, आप तब तक के लिए वेट करेंगे तो आपका बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा तब तक। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी कि रिमोट एरियाज के लिए है, ठीक है, लेटर सितंबर में, रिमोट एरियाज के लिए लेटर सितंबर में। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके मतलब जुलाई में एग्जामिनेशन हो जाएंगे, टेंटेटिव डेट आ चुकी है, और डेट शीट के रिगार्डिंग जो आप कह रहे थे, डेट शीट आपकी फाइनली बहुत ही जल्दी आने वाली है। और वीडियो एंड करने से पहले मैं कुछ आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से न्यूज दिखाना चाहूंगा जो कि आपको बिल्कुल देखनी चाहिए, चलिए वो भी देख लेते हैं फटाफट। देखिए जो उनकी तरफ से न्यूज आई है वो ये है, यहां देखिए, न्यू दिल्ली, द दिल्ली यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू कंडक्ट द फाइनल एग्जामिनेशन फ्रॉम जुलाई 1, 2020, 1 जुलाई से करने वाली है। द एग्जाम वुड बी हेल्ड एज ओपन बुक एग्जामिनेशन मोड। ओके, Do you had asked teacher to prepare two sets of paper, one for online open book examination and the other for pen and paper? समझ गए आप? Pen and जो बच्चे online exam दे सकते हैं वो best है, online open book examination नहीं दे पाएंगे तो वो बात के लिए remote areas के बच्चों के लिए हो जाएगा। Those who have internet, computer, laptop will appear in online open book examination, simple जो मैंने कहा, in July, and rest will appear in pen and paper based examination for which the time is not specified, tentatively September to October. ठीक है, तो यही चीज है, बस यही बोला गया था, यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन में आप अपनी जैसे कि नोट्स रेफर कर सकते हो, स्टडी मटेरियल रेफर कर सकते हो, बुक्स भी रेफर कर सकते हो, लेकिन स्टिल आपको क्या है, एकदम एग्जैक्ट आंसर लिखना पड़ेगा। और जैसे कि आप इसमें मैं तो यही मानूंगा कि सजेशन देना चाहूंगा कि बिल्कुल डिट्टो कॉपी ना करें, हो सकता है कि मतलब उन्होंने छूट दिया तो ये बोल सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करें, कहीं आप सीधा कॉपी पेस्ट मार दें कहीं से तो ये चीज गलत होगी। तो A4 साइज पे यानी कि आपको अपने हाथ से लिखना है, उसको स्कैन करना है और जो वो बताएंगे कि यहाँ पे सेंड करना है तो वहां पे आपको सेंड कर देना है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई। एंड कुछ जो मेन बातें मैं जो आपको बताने वाला हूं, कुछ चीजें हैं उनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट चीज, डोंट रिलाई ऑन इलीगल सोर्सेस। आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने भी कहा है कि बच्चों को DU.AC.IN जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उनसे कनेक्टेड रहना है, कोई किसी भी अपडेट के लिए, कोई कहता है कि आप पास हो जाएंगे, पास बहुत होना इजी है, आप लिख दें, किसी की बात पे कुछ यकीन नहीं करना है, आपको सिंपल अपने स्टडी पे फोकस करना है, आपका लास्ट ईयर है, आपका ये बहुत ही प्रोमिनेंट एंड क्रूशियल ईयर है, तो इसको आपको अच्छी तरह मतलब निकालना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको मेहनत करनी है। दूसरी चीज, आपको वेबसाइट के बारे में बताई है, और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अपने जो पर्टिकुलर आपकी ब्रांच है, जो आपका कॉलेज है, उससे आप कनेक्टेड रहें। कनेक्टेड रहने मतलब मेरा ये मतलब है कि कोई भी आपको क्वेरी होती है या फिर कोई भी डाउट होता है, आपको कोई प्रैक्टिकल वगैरह से रिलेटेड है, तो आप सिंपल उनको जाके कॉन्टैक्ट करें, उनके नंबर पर कॉल करें, और सून आपकी डेट शीट जो है वो विद इन नेक्स्ट वीक
या फिर एक हफ्ते के अंदर अपलोड हो जाएगी, उसको आप देखें और उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम होंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय। एंड आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, स्पेशली DU के स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।